क्षण में आई और एक क्षण में आगे फर्म की अच्छी मरम्मत की और फर्म केस में सब तैयार हो गया नहीं। और आज सोसाइटी सेफ है। चलिए जब तक ये क्राइम फ्री भारत खोज रहे हैं इतनी देर तो लगती नहीं है तब तक है। मेरा ये कहना है कि देखिए ये इस तरीके के ख्याल हमारे दिमाग में क्यों आ रहे हैं? एक व्यक्ति ने मुझसे एक जो है कहानी एक कहानी मुझे सुनने को मिली वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। कहानी ये थी कि एक राजा बहुत अच्छा था, उसे लगता था कि उसकी प्रजा बहुत सीधी है और उसे हमेशा ये भय सताता था कि मैं तो अच्छा हूं अपनी प्रजा का ध्यान रखता हूं, यदि कोई दुष्ट राजा आ गया तो इस प्रजा का क्या होगा। तो उसने कहा भाई मरने के पहले हम अपनी प्रजा को सचेत करेंगे और उसको जागरूक कर देंगे जिससे कोई घटिया आदमी भी राजा बनेगा तो भी उसका बुरा नहीं कर पाएगा। तो उसने सोचा क्या करना चाहिए। उसने कहा कि एक कोई उलझुल आदेश करते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं होगा, कुछ समय बाद पब्लिक को महसूस होगा कि ये तो क्या घटिया काम कर रहे हैं हमारे राजा, तो विद्रोह हो जाएगा, तो बस जगाने का काम हमारा हो गया, हम जगाने ही तो चाहते हैं। तो उन्होंने आदेश दिया कि जो भी राजमहल के सामने से गुजरेगा जो पुलिया है उस पुलिया को क्रॉस करने के पहले उसे 5 जूते लगाए जाए। अब ऐसा उलझुल आदेश है कि नहीं, कोई कारण नहीं, कोई रीजन नहीं, कोई गुनाह नहीं किया, बिना मतलब जूते लगा रहे आप, राइट। एक महीने के बाद विद्रोह हो गया, राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मैं प्रजा को सीधे सुनूंगा, तो आप एक काम करो जो विद्रोह हो रहा है उन सबको आम सभागार में ले जाओ और मैं खुद उनको सुनूंगा। सब लोग इकट्ठा करके सभागार में ले जाया गया। राजा ने कहा कि आप लोग बहुत आंदोलित हैं, निश्चित तौर पर आपके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, जो कुछ भी गड़बड़ हुआ है वो आप सभागार से निकलने के पहले ही ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सुनना चाहता हूं कि आपके ग्रेवेंस क्या हैं, आप क्या चाहते हैं। तो उनमें से जो नेता टाइप का था वो खड़ा हुआ, बोला हुजूर जो आप जूता लगवा रहे हैं उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन हुजूर ने ध्यान ही दिया इतने सारे लोग निकलते हैं वहां जूते लगाने वाले केवल 2 हैं, तो हमें जूते लगवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, तो हुजूर से निवेदन है कि जूता लगाने वालों की संख्या बढ़ा दी जाए। आज आप हर रिक्वेस्ट में जूता लगाने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए कह रहे हो। पुलिस वाले जूते लगा रहे हैं, तंग कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और आप रोज शिकायत कर रोज कहते हैं कि साहब हमारे यहां भी एक थाना खोल दें। इस कहानी से आप सहमत है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सहमत है। कुल मिला के हम तो एक ही चीज जानते हैं साहब कि आज हम जो थोड़ा सा हमें माहौल हमने अपना क्रिएट और अच्छा कर लिया है, लेकिन वो हमारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो हमें मरने के पहले कम से कम हम ज्यादा नहीं 0.1% तो उनके फेवर में अच्छा माहौल करके जाएं। यदि हम ये कह रहे हैं कि आप 9 दिन में 10वें दिन ये चमत्कार कर पाएंगे और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, राइट, केवल अपने से जुड़े लोगों को जोड़ना है और यदि आप ये जोड़ने की कार्रवाई करेंगे, देखो मैं इसको समझाता हूं। यदि आज हमने जोड़ना चालू किया, अभी आप लोग 3 लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, मान लीजिए कि आप 9 लोग हैं तो 9 आप हुए और 1 मैं, 10 हो गए कि नहीं हो गए? 10 लोगों ने संकल्प लिया कि हमें अच्छे भारत के लिए अपने से जुड़े लोगों को जोड़ना है और कुछ नहीं करना है, अपने से जुड़े लोगों को जोड़ना है और संकल्प के साथ जोड़ना है, शपथ के साथ जोड़ना है। और अच्छे भारत की डेफिनेशन क्या है? 21 महालक्ष्य, जिसमें आपको अपराध मुक्त भारत भी मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी मिलेगा, टैक्स मुक्त भारत भी मिलेगा, कर्ज मुक्त भारत भी मिलेगा और 5 मौलिक अधिकार भी मिलेंगे। और वो मौलिक अधिकार क्या है? रोजगार का मौलिक अधिकार। तो आपको रोजगार का मौलिक अधिकार मिलेगा और उसके लिए आपके कंसल्टेशन में आपकी शिक्षा और हुनर के आधार पर आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, टूल्स दिए जाएंगे, मशीनरी दी जाएगी, आपको उसमें सिद्धस्थ बनाया जाएगा और आपको टीम बनाकर राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाएगा। और जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा उतनी भारत विकास निधि निर्मित होगी। अब बताइए आपको
रोजगार का मौलिक अधिकार देने के लिए धन की आवश्यकता है कि आपको मौलिक अधिकार भी दे रहे हैं और धन का निर्माण भी हो रहा है। इसी तरीके से जब हम मौलिक अधिकार आपको स्वास्थ्य का देंगे तो आपका हर व्यक्ति का, भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति का एनुअल मेडिकल चेकअप होगा। उसको अकेला जो है ना, ये बीपी ईपी अकेला नहीं, आपका वात पित्त कफ का भी मेजरमेंट होगा। आपको बीमार होने के पहले आपका इलाज हो जाएगा। आपको आपके भोजन में ही जो अभी गड़बड़ियां हैं वो दूर करते हुए आपको जो आप भोजन करेंगे उससे अब कैंसर नहीं होगा। आज का जो भोजन कर रहे हैं उससे कैंसर हो रहा है। तो आप भोजन भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी और समृद्धि भी मिलेगी। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल एक ही काम करना है, ये प्रण करना है कि हाँ हमें ऐसा भारत चाहिए। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि ऐसा भारत चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है, केवल संकल्प और शपथ लेके किसको जोड़ना है? अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को,